गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ शिवरात्रि स्पेशल ड्रिंक। और ये ड्रिंक बहुत ही झटपट और बहुत ही यूनिक है, तो चलिए, बहुत जल्दी बन जाने वाला, बहुत ही टेस्टी। तो ये आप देख सकते हैं, हमने बनाया हुआ है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या इसे चाहिए बनाने के लिए। यदि ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिया है 2 केला, मावा और चीनी, बादाम। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1/2 लीटर हमने दूध लिया है। इसे सबसे पहले हम गैस पे रख देंगे और गैस ऑन करके इसे बॉईल करेंगे। तो उधर दूध बॉईल हो रहा है, तब तक हम बनाना को छील करके और इसका कट करेंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं, 2 बनाना का छिलका हटा दिया है हमने और इसे इस तरीके के पीसेज में कट करके हम 1 स्पून के मदद से इसे बारीक मैश करेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे अच्छा से हमने मिक्स कर लिया है। बिल्कुल इस तरीके से मैश करना है केले को, और दूसरे केले को हम अपने मन चाहे आकार में छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कट करेंगे। आप चाहें तो लंबे पीसेज में या गोल पीसेज में इस तरीके से कट करें। तो आप देख सकते हैं, 1 बनाने को हमने इस तरीके से टुकड़ों में कट कर लिया है। तो चलिए अब दूध को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दूध बॉयल हो चुका है, तो थोड़ा सा गाढ़ा होने तक इसे हम पकाएंगे। ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने कम से कम 8 से 10 मिनट तक इसे अच्छा से बॉईल कर लिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा 1 पिंच केसर के धागे ऐड कर दूँगी कलर के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने केसर धागे ऐड कर दिया है। इसे चला लेंगे अच्छा से ताकि इसमें कलर आ जाए दूध के अंदर। इसे चलाने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी, और यहाँ पे 4 चम्मच हम चीनी ऐड कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा करें। तो यहाँ पे चीनी अच्छा से मेल्ट हो चुका है दूध में। अब इसके अंदर हम मावा को डाल देंगे और इसे अच्छा से चला लेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे मैश किया हुआ केला। तो ये आप देख सकते हैं, मैश किया हुआ केला को हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसे चलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ केला। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे गैस को हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। तो यहाँ पे हमने दोनों केले को ऐड कर दिया है और इसे अच्छा से चला लेंगे। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नारियल का बुरादा। आप चाहें तो इसे अवॉइड भी करें, ये ऑप्शनल है। इसे अच्छा से हम चला लेंगे। उसके बाद इस पे हम डाल रहे हैं इलायची पाउडर और यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे। ये खीर बनके बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे आप चाहें तो इसमें पनीर भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, और यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स आप ऐड करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं, बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसे ठंडा करके सर्व करें या गर्म गर्म सर्व करें, दोनों में ये बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने सर्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस नवरात्रि पे आप इसे बनाइए, आज शिवरात्रि है तो आज भी इसे ट्राई कीजिए, बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।